जी ये गीजर जो की फिटिंग जो है ये मैंने सीधी कर दी है। ये देख लें कि अब मैंने जो है ना ये रिटर्न वाल्व जो है ना ये गर्म की लाइन के अंदर लगा दिया है, और ठंडे की लाइन के अंदर सॉरी लगा दिया है, गर्म की लाइन से इसे निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। अगर अल्लाह ना करे गीजर बैक मारता है तो बैक मारने की सूरत में इसका जो गर्म पानी है वो ठंडे की लाइन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है जी। लिहाजा यहाँ पे मजबूरी थी हैंडल वाल्व देना, क्योंकि हमारे पास पाइप निपल था नहीं, टाइम ओवर है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए लिहाजा कल जो है ना इसका पाइप निपल लाकर जो है ये लगा देंगे जी। उसने जो टेढ़ा मेढ़ा गंद मारा हुआ ना ये भी खत्म करेंगे, इसकी प्रॉपर खूबसूरत करके सेटिंग करेंगे। अदरवाइज इसको हमने एमरजेंसी के लिए चला दिया है, अगर ये ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ये बेहतरीन काम करेगा। ठीक है जी। ये हमारे साथ जी तनवीर भाई खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनको हमारा वर्क जो है कैसा लगा है। जी सलाम अलैकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम जी। आपको हमारा वर्क कैसा लगा जी? नहीं माशाल्लाह जी अशरफ भाई, आपने बहुत ही इसका प्रॉपर तरीके से आपने इसका हल निकाला है, आपने जो भी इसके जो मसले मसाइल थे आपने हल कर दिए हैं। ठीक है ना, अब हम आपके काम से मुतमईन है। पहले तो ये डायरेक्ट हो गया था, ठीक है ना, और ये काम बहुत खराब हो गया था, और ठंडे वाले जो ठंडे पानी की जो लाइन है उसमें आप जो है ना वो गर्म पानी आ गया था फुल। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह जी। अब जो मैंने जी इसकी प्रॉपर हल कर दिया है, ठीक है, रिटर्न वाल जो है वो ठंडे की लाइन के अंदर लगा दिया, इंशाल्लाह ऐसे कभी नहीं होगा। हम आपके काम जी से मुतमईन है। आप हमारे काम से मुतमईन है जी, तसल्ली बख्श काम हुआ जी। ठीक है जी। अगर आपको हमारा काम और हमारी वीडियो हमारा वर्क अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो आप हमारे साथ कमेंट्स करें। शुक्रिया।